बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर। आप मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर टू पे हमारी डिस्कशन चल रही है बेटा। चैप्टर नंबर टू आपके पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के हवाले से है। आज की हमारी डिस्कशन एक्सरसाइज 2.1 के हवाले से। इससे पीछे हमने मुख्तलिफ टॉपिक देखे कि आपके पास इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं हमने उनके ऊपर बात की। आज हम एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं, तो एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं बेटा। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि आपने इनको सिंगल मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना है। साथ साथ हम जो जहां भी कोई ट्रिक्स यूज हो रही हैं वो ट्रिक्स भी देखेंगे बेटा। तो आपके पास पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, 2, 4 बेटा। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 और ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ जिसमें इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। इसमें आपके पास 3 रोज और 1 कॉलम आपके पास मौजूद है। हमने इनको सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। लास्ट लेक्चर जो बेटा आपके पास इससे प्रीवियस था उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस आपको सिखाया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को कैसे लेके चलेंगे। आपके पास गिवन है बेटा 1, 2, 4, 1, 0, 2, 2, 0, 1 and 0, 1, 2 एंड लास्ट मैट्रिक नंबर मैट्रिक्स नंबर थर्ड है 2, 4 and 6। ओके बेटा, अब देखते हैं कि आपके पास हम इनका मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस कैसे करेंगे। अगर बेटा देखा जाए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास आ रहा है 1/3 यानी 1 रो और 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास आ रहा है जी 3/3 एंड लास्ट देखें बेटा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास आ रहा है 3 रोज हैं 3/1 कॉलम है 1 कॉलम आ गया बेटा। अब देखिए बेटा आपके पास मैंने आपको लिखवाया था पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद अगर सेम आ जाए तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इट्स मीन ये आपके पास इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। एंड फिर देखें पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद यहां आपके पास 3 आ रही है, सेकेंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद ये भी 3 आ रही है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, ये आपके पास अगर एक एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाए रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, यानी आपके पास आ गया जी इसका ऑर्डर आ गया 1/ आपके पास 3, इसका ऑर्डर आपके पास आ गया 3/3, इसका ऑर्डर आपके पास आ गया 3/1। तो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर डिवेलप होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड लास्ट मैट्रिक्स का कॉलम, यानी आपके पास इसका रिजल्ट जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा जी 1/1। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास इसी ऑर्डर का रिजल्ट डिवेलप होता है या नहीं। अब मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस जब आप करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मैं पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो बेटा देखते हैं 1 × 1 रिजल्ट आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस 2 × 2 रिजल्ट 4 आ जाएगा, प्लस 4 × 0 रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 0, 0 फर्स्ट रो का प्रोसेस आपके पास चलेगा तो फर्स्ट रो ही डिवेलप होगी। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 0, 0 प्लस 2 × 0, 0 प्लस 4 × 1, 4 एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 2, 2, 2 × 1, 2 एंड 4 × 2 रिजल्ट आपके पास 8 आ जाएगा। ये आपने इन दोनों की प्रोडक्ट ले ली, एक ही रो थी तो आपके पास एक रो बारी बारी सब कॉलम से मल्टीप्लाई हुई एंड आपके पास थर्ड मैट्रिक्स एज इट एज रहेगा 2, 4 and 6। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जब आप जाएंगे तो देखिए बेटा आपके पास इनको ऐड करने से 1 + 4 5 आ जाएगा,
0 प्लस 4 रिजल्ट 4 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 आपके पास रिजल्ट 12 आ जाएगा एंड आपके पास सेकंड मैट्रिक्स एज इट एज रहेगा। अब आपके पास इन दोनों की प्रोडक्ट हमने फाइंड कर ली, इसमें तीन कॉलम आ रहे हैं, पहले में कॉलम की तादाद देखोगे, इसमें तीन रोज आ रही है, दूसरे में रोज की तादाद देखोगे तो आपके पास इक्वल आ रही है। इट्स मीन पहले में कॉलम की तादाद और दूसरे में रोज की तादाद इक्वल आ जाए तो बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है, एक रो आपके पास इसी कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगी, 5 × 2 = 10, 4 × 4 = 16 एंड 12 × 6 = 72। तो आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी एक ही रो है, एक ही कॉलम के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई की तो मेरे पास इनको ऐड करने से जो रिजल्ट डिवेलप होके आया वो बेटा आपके पास आ गया जी 10 + 16 + 72 = 98। आपके पास ये इसका आंसर आ गया 98, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया आपके पास। अब हम यहां पे ये देखेंगे, मैंने आपके सामने ये बात की, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो कौन सी ट्रिक यूज करनी है। आपको मैंने कहा था यहां पहले मैट्रिक्स की रोज देखोगे तो रो आपके पास आ गई थी 1 एंड लास्ट मैट्रिक्स का आप कॉलम देखोगे वो भी 1 आया। इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर 98 आया आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म में, जिसमें एक रो और एक ही कॉलम है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने ट्रिक देखी और आपने ये प्रोसेस देखा कि किसी भी क्वेश्चन में आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे करेंगे। अब हम इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट उठाते हैं बेटा, आपके पास पार्ट नंबर है जी 4, पार्ट नंबर 4 पे बात करते हैं। दो पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं। पार्ट नंबर 4 में आपके पास जी क्वेश्चन है जी 1 3 -1 -4 + 3 -2 3 -2 -1 1 × 135 एंड 246। ओके बेटा, यहां पे हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब बेटा देखें, इसमें ये जो आपके पास अकर्ली ब्रेसेस आ रही हैं, इनके अंदर जो दो मैट्रिक्स हैं, अगर देखा जाए तो इसका आर्डर आपके पास आ रहा है जी 2 by 2, इसका आर्डर भी आपके पास आ रहा है जी 2 by 2। हम ब्रैकेट के अंदर पहले जो आपके पास जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसके ऊपर वर्क करेंगे। अब दोनों का आर्डर सेम आ गया और आपके पास ये बीच में क्या जिसमें एडिशन यानी ये ऐड हो रहे हैं, इट्स मीन आपके पास इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन पॉसिबल है। एडिशन के ऊपर जब हमने बात की थी तो हमने वहां पे ये कहा था कि दो मैट्रिक्स ऐड तभी हो सकते हैं जब उनके आर्डर सेम आ जाए। तो बेटा आपके पास जब मैं एडिशन का प्रोसेस शुरू करूंगा तो ये ब्रेसेस रिमूव हो जाएंगी, 1 कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स, ये 1 आपके पास 3 से ऐड होगा, पहला एलिमेंट पहले से ऐड होगा 1 + 3, रिजल्ट 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ जब ऐड होगा 3 + −3 − 2, आपके पास रिजल्ट 1 आ जाएगा। सिमिलरली अब आपके पास सेकंड रो में जाएं, सेकंड रो का आपके पास पहला एलिमेंट, यहां सेकंड रो के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा −1 + −−1 −1, रिजल्ट आपके पास −2 आ जाएगा। एंड लास्ट देखें आपके पास −4, यहां लास्ट देखें 1, −4 1 के साथ ऐड होगा −4 + 1, रिजल्ट आपके पास −3 आ जाएगा।
एंड सेकंड आपके पास देखें जो थर्ड मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है वो बेटा आपके पास एज इट एज आ जाएगा। अब एडिशन का प्रोसेस हो चुका है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं पहले मैट्रिक्स का अगर बेटा आप ऑर्डर देखें तो इसमें आपके पास दो रोज और दो कॉलम आ रहे हैं, 2x2 इसका ऑर्डर आ गया। सेकंड मैट्रिक्स में देखें बेटा आपके पास इसमें दो रोज आ रही हैं और तीन कॉलम आ रहे हैं। अब मल्टीप्लीकेशन दो मैट्रिक्स की पॉसिबल कब होती है, जब पहले में कॉलम की तादाद कितनी आ रही है 2 एंड सेकंड में रोज की तादाद 2, ये सेम आ जाए तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन हो सकती है और इसका जो रिजल्ट आपके पास डिवेलप होगा बेटा आपके पास उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, उसका ऑर्डर बेटा मैंने आपको बताया हुआ है पहले की रोज और दूसरे के कॉलम, यानी कि उसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। मैं यहां मेंशन पहले ही कर देता हूं, हम सॉल्व भी करेंगे तो आपके पास रिजल्ट यही आएगा पहले की रोज 2 और दूसरे का कॉलम आपके पास 2x2 उसका ऑर्डर आएगा, दूसरे का कॉलम सॉरी कॉलम आपके पास 3 है 2x3 आएगा, यानी कि दो रोज और तीन कॉलम आएंगे। ओके अब इन मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड कॉलम, तीनों कॉलम से आपके पास सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट रो। तो बेटा देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4x1 रिजल्ट 4 आ जाएगा प्लस 1x2 रिजल्ट आपके पास 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4x3 12 एंड 1x4 आपके पास 4 ही आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से हमें ये रिजल्ट मिला। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4x5 20 एंड 1x6 आपके पास 6 ही आएगा। बेटा ये आपके पास फर्स्ट रो आपके पास सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब हम सेकंड रो पे बात करते हैं, सेकंड रो में भी बेटा आपके पास मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस ऐसे ही होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट पहले से -2x1 -2 एंड -3x2 -6। आगे देखिए बेटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2x3 -6 -3 -4 -12 एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम -2x5 -10 एंड -3x6 -18। ओके नेक्स्ट स्टेप में बेटा जब आप जाएंगे तो देखें 4+2 रिजल्ट क्या आ जाएगा जी 6, 12+4 रिजल्ट आपके पास आ जाएगा जी 16, 20+6 26, -2 -6 -8 -6 -12 -18 एंड ये आपस में ऐड होंगे -10 एंड -18 तो ये आपके पास -28 आ गया। तो रिजल्ट देखें 6 16 26 -8 -8 -18 एंड -28। तो बेटा आपको मैं बता चुका था कि आपके पास रिजल्टेंट का जो ऑर्डर आएगा पहले की रोज यानी कि 2 रोज आ रही है और दूसरे के कॉलम यानी कि 3 कॉलम आ रहे हैं तो आपके पास रिजल्टेंट का जो ऑर्डर बनेगा वो 2x3 है। आपने इस प्रॉब्लम में भी देखा वो 2x3 ही आ रहा है। तो बेटा आपके पास ये पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जिसका पहला और चौथा पार्ट मैंने आपके सामने डिस्कस किया और साथ साथ मैंने आपको इसके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपके सामने ट्रिक भी डिस्कस की दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर। अब नेक्स्ट हम बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास, मैट्रिक्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर टू में, ए आपके पास दिया हुआ है जी 2 - 5 = 1, 3 - 0 - 4। मैट्रिक्स बी दिया हुआ है बेटा 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 5 एंड मैट्रिक्स सी दिया हुआ है 0 - 1 - 2 - 0 - 1 - 1। अब आपके पास इस मैट्रिक्स में आपको ये कह रहा है कि आपने फाइंड करना है जी 2A + 3B - 4C की वैल्यू। ओके, अब आपके पास यहां देखिए 2A मैट्रिक्स ए के साथ एक रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब हम चेक करते हैं क्या इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो देखिए बेटा आपके पास इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2 by 3, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2 by 3 एंड सिमिलरली इसका ऑर्डर 2 rows, 3 columns, 2 by 3। यस, ये तीनों मैट्रिक्स आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कोई आपके पास स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होके आ जाए फिर भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। एंड कीप इन माइंड आपके पास इस मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा, इसके रिजल्टेंट का ऑर्डर जो होगा, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, देन ऑर्डर ऑफ 2A + 3B - 4C ऑलवेज इक्वल टू यही रहेगा 2 by 3, ऑर्डर आपके पास यही आएगा। तो स्टार्ट लेते हैं बेटा आपके सामने 2A + 3B - 4C डेट विल बी इक्वल टू 2। ए आपके पास है जी 2 - 5 = 1 and 3 - 0 - 4 + 3। बी बेटा आपके पास है 1 - 2 - 3 - 0 - 1 - 5 - 4। सी बेटा आपके पास है 0 - 1 - 2 - 0 - 1 - 1। ओके, एन साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4 2 multiply - 5 - 10 2 multiply 1 2 2 multiply 3 6। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में ये रियल नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये आपके सामने मल्टीप्लाई करने से आ गया। प्लस 3 को एन साइड मल्टीप्लाई करें 3 1s are 3 - 6 - 9 - 0 - 3 - 15 एंड -4 उसी तरह छोड़े, सिर्फ 4 को इनसाइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0 - 4 - 8 - 0 - 4 - 4। ओके, एंड लास्ट आपके पास स्टेप इस क्वेश्चन का कि हमारे पास रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं 4 + 3 - 7 - 0 - 7 ही आएगा -10 - 6 - 10 - 6 - 16 - 16 - -4 - 16 - 4 आपके पास आ जाएगा जी -20 एंड लास्ट 2 - 9 - 7 - - +8 आपके पास 1 आ जाएगा 6 + 0 - 6 + 0 - 0 रिजल्ट 6 आ जाएगा 0 - 3 - -+4 रिजल्ट 1 आ जाएगा एंड -8 + 15